अपन ने इकोनॉमिक्स शुरू किया था आरएस के लिए, जिसमें आरएस के जो करीब 15-16 टॉपिक हैं वो, और इसके साथ इकोनॉमिक्स करंट दोनों साथ में चलेंगे। बीच बीच में करंट से इकोनॉमिक्स करेंगे अपन, और जो इकोनॉमिक्स के जो स्थायी टॉपिक हैं वो भी साथ साथ में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो व्यापार घाटा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी 2023-24 तक, 24 के यानी मार्च से पहले तक का भारत का व्यापार घाटा, किन किन देशों के साथ सरप्लस है और किन के साथ नकारात्मक है, सकारात्मक है, और भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कौन कौन से देश हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा FDI देते हैं। तो और ये YouTube पर आपको रेगुलर चल रहा है, ये बीच में ब्रेक आ जाता है, अब भी कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू रहे। तो ये करंट दोनों साथ में चलेंगे। कुछ करंट के टॉपिक हैं जैसे कृषि के हैं, परिवहन के हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन के हैं, व्यापार के हैं, विदेशी व्यापार का है, तो ये करंट के हैं। और करंट के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना, जो भी प्रश्न आएगा करंट का आएगा या फिर बजट से संबंधित आएंगे, बजट घाटे से संबंधित आएंगे, बजट के प्रकार कितने हैं, बजट घाटा, बजट के जो घाटे हैं यानी घाटे के प्रकार हैं, जैसे पूंजीगत राजस्व घाटा है, पूंजीगत घाटा है, बजट घाटा है, प्रभावी घाटा है, तो इस प्रकार के घाटों से भी प्रश्न आते हैं। तो अपन देखते हैं कि भारत का व्यापार घाटा क्या है। देखो, व्यापार घाटे संबंधित जो आंकड़े हैं वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन जारी करता है? क्योंकि ऑप्शन में वहां वित्त मंत्रालय भी आ सकता है, रिजर्व बैंक भी आ सकता है, और ऑप्शन में होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जारी कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी करता है। अब देखो, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारी देश कौन से हैं? बड़े व्यापारिक भागीदारी देश यानी भारत का व्यापार सर्वाधिक किन देशों के साथ होते हैं? तो सबसे ज्यादा होता है चीन के साथ, जो हमारा पड़ोसी देश है। किसके साथ होता है? चीन के साथ। फिर होता है अमेरिका के साथ, सबसे ज्यादा चीन के साथ, उसके बाद अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर रूस, और लास्ट में है सऊदी अरब। यानी ये घटते क्रम में, ये घटते हुए क्रम में है। पांच देश हैं, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब। ये वो देश है जो भारत के बड़े व्यापारिक भागीदार देश है, यानी इन देशों के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। अब यहाँ पे व्यापारिक घाटे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर व्यापार व्यापार की बात कर रहे हैं। यानी ये पांच देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का लेन देन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? चीन है, सबसे ज्यादा चीन के साथ हमारा व्यापार होता है, फिर अमेरिका के साथ होता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है, फिर रूस के साथ होता है, और फिर सऊदी अरब के साथ होता है। यानी ये घटते क्रम में है, इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। भारत के शीर्ष भागीदार देश जिनके साथ व्यापार अधिशेष है, यानी जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। अधिशेष का मतलब है सरप्लस है, सरप्लस है। यानी ये वो पांच देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार सरप्लस है। समझ गए? सरप्लस मतलब भारत इन देशों को निर्यात ज्यादा करता है और इन देशों से आयात कम करता है। तो कौन कौन से हैं? समझ गए बात को? ये वो देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापारिक संबंध है और इन देशों को भारत निर्यात ज्यादा करता है, आयात यहाँ से आयात कम करता है, इसीलिए ये अधिशेष। तो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका के साथ। देखो, भागीदारी देशों में पहला स्थान किसका था? चीन का था। दूसरा किसका था? अमेरिका का था। तीसरा किसका था? संयुक्त अरब अमीरात का। चौथा रूस का, और पांचवा सऊदी अरब का। और अब यहाँ पे भारत का सरप्लस, यानी अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का जो व्यापार होता है, हम अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं और वहां से आयात कम करते हैं। फिर दूसरा नाम आता है नीदरलैंड का, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड कहते हैं, फिर ब्रिटेन के साथ, बेल्जियम और इटली। यानी एक अमेरिकी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, बाकी है वो यूरोपियन देश है, यानी नीदरलैंड, ब्रिटेन,
बेल्जियम और इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम और इटली, ये वो देश हैं जिनके साथ, ये पांच देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का व्यापार है वो सरप्लस में है। तो पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक सरप्लस, भारत का सर्वाधिक व्यापार सरप्लस किस देश के साथ है? तो पांच देशों के नाम दे देंगे, या दो दो देश दे देंगे, या समूह में दे देंगे। वे देश जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा 22 की तुलना में बढ़ा है, यानी भारत का व्यापार घाटा है 2022 में, व्यापार घाटा 2022 में भी था लेकिन 22 की तुलना में 2023 में बढ़ा है। तो देखो चीन के साथ, चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वाला देश है, और चीन के साथ 2022 की तुलना में 2023 24 में हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ा है। फिर रूस के साथ, रूस हमारा चौथा भागीदार देश है, पांच मुख्य देशों में शामिल है रूस जिसके साथ भारत का व्यापार ज्यादा होता है, पांच देश बताए थे मैंने। फिर है दक्षिण कोरिया और हांगकांग, यानी ये वो देश हैं जिनके साथ व्यापार घाटा रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन 22 की तुलना में 2023 में व्यापार घाटा इन देशों के साथ बढ़ गया है। तो ध्यान रखना, पांच बड़े देश, भारत के पांच भागीदार देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब, ये पांच बड़े भागीदार वाले देश हैं। और सर्वाधिक सरप्लस वाले देश, यानी जिनके जिन वे देश जिनको हम निर्यात ज्यादा करते हैं वहां से आयात कम करते हैं, तो अमेरिका है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है और इटली है। अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम और इटली, और ये वो देश है जिनके साथ हमारा व्यापार घाटा 22 की तुलना में 23 में बढ़ा है। वे देश जिनके साथ व्यापार घाटा कम हुआ है, वे देश जिनके साथ व्यापार घाटा कम हुआ है, तो कम किन किन साथ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी ये हमारा तीसरा बड़ा भागीदार देश है, व्यापारिक भागीदार देश है, कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब, ये हमारा पांचवा बड़ा भागीदार देश है, यानी जिनके साथ हमारा व्यापारिक लेन देन ज्यादा होता है, इन देशों को हम निर्यात ज्यादा करते हैं और यहाँ से आयात कम करते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यापार घाटा कम हुआ है, पहले ज्यादा था अब कम हुआ है, इसका मतलब हम संयुक्त अरब अमीरात को अब पहले की तुलना में अब हम ज्यादा निर्यात करने लगे। ऐसा ही सऊदी अरब के साथ है जिसे हम पहले की तुलना में अब ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम हुआ है। व्यापार घाटा का मतलब क्या होता है कि हम किसी देश से मान लो 100 रुपये का सामान मंगाया और हमने वापस 90 रुपये का सामान निर्यात किया, तो व्यापार घाटा कितना हो गया? 10 रुपये का। इसके विपरीत देख लो, व्यापार सरप्लस कैसे होगा? अब सामने वाले देश से हमने 100 रुपये का सामान मंगाया और वापस हमने निर्यात कितने का किया? 120 का किया, तो व्यापार सरप्लस कितना हो गया? 20 रुपये हो गए। इंडोनेशिया के साथ हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है, इराक के साथ हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है, तो ये इन देशों के साथ व्यापार घाटा कम हुआ है, और ये वो देश है जिनके साथ व्यापार घाटा बढ़ा है, चीन, रूस, जो हमारे पहला पहला और चौथा व्यापार भागीदारी वाला देश है, बड़े शीर्ष व्यापारिक भागीदारी वाले देश है। व्यापार घाटे की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखो व्यापार घाटे की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालू खाता घाटे में वृद्धि होती है, क्योंकि जो व्यापार होता है ना वो चालू खाते में होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, क्योंकि हम जब आयात ज्यादा करेंगे तो सामने वाले को हम पैसे भुगतान करेंगे, और वो भुगतान किस में करेंगे? वो या तो सोने में मांगेगा या डॉलर में मांगेगा या कोई भी विदेशी मुद्रा में मांगेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो क्रेडिट रेटिंग देते हैं उनमें हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और घरेलू निवेश में वृद्धि होती है। देखो ये थोड़ा ये सकारात्मक प्रभाव है, कौन सा? ये तीन तो देखो नकारात्मक प्रभाव है, ये सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है? घरेलू निवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं,
तो क्या मंगाया, जैसे मान लो मशीनरी मंगाई है, तो हमने मशीनरी यहाँ पे ला करके उसको स्थापित किया और उसके उत्पादन शुरू हुआ, तो वो निवेश में वृद्धि होगी और घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है, हमारा जो घरेलू मुद्रा है उसके मूल्य में गिरावट आती है। व्यापार घाटे के और क्या कारण हो सकते हैं? जो कारण क्या, फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित जो गुड्स हैं, सामान हैं, उनका ज्यादा आयात निर्यात आयात होने से, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के आयात करने से। यद्यपि भारत फार्मास्यूटिकल्स के अग्रणी देशों में शामिल है, फिर भी हम कुछ दवाइयां हैं जो विदेश से मंगाते हैं, तो उसकी वजह से है। वैसे सबसे बड़ा योगदान हमारा व्यापार घाटे का में कच्चे तेल का है, कच्चा तेल, यानी भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 14-15% है वो उत्पादन करता, कुछ कुल उपभोग का 14-15% है वो घरेलू है उत्पादन, बाकी इस लगभग 87% है हम विदेश से निर्यात करते। तो व्यापार घाटे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कच्चा तेल। व्यापार घाटे का सबसे बड़ा कारण है वो कच्चा तेल है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल है, लग्जरी गुड्स है, महंगी वस्तु है, महंगी वस्तु है, और बहुत ज्यादा आयात पर निर्भरता। यद्यपि धीरे धीरे हमारी आयात पर निर्भरता अब कम हो रही है, कुछ क्षेत्रों में तो आयात पर निर्भरता रहेगी, अभी कई सालों तक रहेगी, जैसे ये लग्जरी गुड्स पर रहेगी है, कच्चे तेल पर रहेगी। यदि फार्मास्यूटिकल में हम धीरे 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 आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष FDI नाम सुना होगा आपने। FDI कौन जारी करता है? भारतीय सॉरी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ये विदेशी निवेश से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। 2022-23 में 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था। 2022-23 में 46.03 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ था भारत में, अलग अलग देशों के द्वारा टोटल 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगले वर्ष फिर 23-24 में 44.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इसका मतलब ये विदेश निवेश है वो घट गया है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी हमारा जो FDI है 2022-23 की तुलना में, 2022-23 की तुलना में 23-24 में गिरावट आई है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले राज्य, यानी भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं, यानी विश्व से विदेशों से जो व्यापारी उद्योगपति भारत में निवेश करते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ निवेश कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है, प्राथमिकता क्या रहती है? तो कि वो चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा निवेश करें, क्योंकि वहाँ हर दृष्टि से अनुकूल है, परिवहन की सुविधा है, ऊर्जा है, ट्रांसपोर्टेशन है, सस्ता लेबर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का निकट बंदरगाह है, फिर वहाँ पर कच्चा माल भी उपलब्ध है। तो इस वजह से वो कोई भी विदेशी चाहेगा तो वो सबसे पहले वो ये चाहेगा कि मैं महाराष्ट्र में निवेश करूं। फिर गुजरात का नंबर आता है, गुजरात में भी बहुत सारी बहुत ज़्यादा अनुकूल दशाएं हैं, कर्नाटक में है, उसके बाद कर्नाटक की बारी आती है कि वो कर्नाटक में निवेश करना चाहेगा। यानी तीनों जो राज्य हैं, तीनों पश्चिमी तटवर्ती राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देश कौन से हैं, यानी भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाले, सर्वाधिक FDI देने वाले, सर्वाधिक FDI देने वाले देश कौन से हैं, यानी सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य कितने हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है और कर्नाटक है। उसके बाद सर्वाधिक FDI देने वाले देश कौन, यानी भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन से हैं? हमेशा से यही फिक्स रहता है, लगभग सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका यही रहते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका यही क्रमशः रहते हैं। तो कभी मॉरिशस आ जाता है फर्स्ट, कभी सिंगापुर आ जाता है। तो 2023 तक, 2023 तक कौन था? सिंगापुर है, मॉरिशस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है FDI देने वाले, सर्वाधिक FDI देने वाले देश, भारत में सर्वाधिक पैसा लगाने वाले देश, उद्योगों में या विभिन्न क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करने वाले देश।
यानी भारत में व्यापार के लिए पैसा लाने वाले, तकनीकी लाने वाले, एफडीआई डायरेक्ट है, वैसे तकनीकी नहीं है, पैसों से संबंधित एफडीआई यानी। और ये एफडीआई दो प्रकार से होता है, एक तो स्वचालित है और एक सरकार की अनुमति से, दो प्रकार से होता है। 2000 से लेकर 2024 तक भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले देश, 2000 से लेकर 2024 तक सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई देने वाले देश, यानी पिछले साल कौन थे? सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। अब देखो पिछले 24 सालों में सर्वाधिक निवेश कौन कौन दे रहे हैं? देखो सिंगापुर, मॉरिशस का पहला स्थान। मैंने कहा था ना कि कभी मॉरिशस रहता है कभी सिंगापुर रहता है, लेकिन और अगर 24 साल का हिस्ट्री देखें तो सबसे ज्यादा निवेश हमें मॉरिशस ने दिया है, उसके बाद दिया है सिंगापुर ने दिया है, फिर दिया है अमेरिका ने, फिर नीदरलैंड ने और फिर जापान ने। यानी मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान, इन ध्यान रखना, पूछ सकते हैं सर्वाधिक विदेशी निवेश देने वाले निवेश वाले देश कौन कौन से? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले क्षेत्र, यानी कोई भी, जैसे मान लो मॉरिशस अभी पिछले साल सिंगापुर टॉप पर है सर्वाधिक निवेश करने वाला, तो सिंगापुर के व्यापारी जो भारत में निवेश कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश करेंगे? तो सबसे ज्यादा भारत आईटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी का सबसे बड़ा सर्वाधिक सेवाएं देने वाला देश है, इसमें आईटी क्षेत्र में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ज्यादा निवेश कर रहे हैं कोई भी देश जो भारत में निवेश करना चाहता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निवेश करें, या कंपनी स्थापित करें, या जो भी करना चाहते हैं तो वो इस क्षेत्र में ही करना पसंद करेंगे। और सबसे ज्यादा निवेश करना, पहले सबसे सर्वाधिक निवेश प्रायोरिटी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और सबसे ज्यादा निवेश कौन कर रहा है पिछले साल? सिंगापुर कर रहा है। ओवरऑल पिछले 24 सालों में कौन कर रहा है? मॉरिशस कर रहा है। 2000 से लेकर 2024 तक सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन कौन से, यानी जो सर्वाधिक अभी पिछले साल सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हुआ। और पिछले 24 सालों में यानी 2024 तक, 2000 से लेकर 2024 तक, मार्च 2024 तक सर्वाधिक निवेश किस किस क्षेत्र में हुआ? सर्विस सेक्टर में हुआ। सर्विस सेक्टर का मतलब संचार क्षेत्र विशेषकर, सड़कें बनाने में नहीं, सड़कें बनाने में निवेश नहीं हुआ है वो, तो वो जो सड़कें बनाने में जो विश्व बैंक है वो अलग अलग क्षेत्रों के बैंक, विश्व बैंक है या एशियन बैंक है, वो उनके द्वारा, IMF के हैं, उनके द्वारा किया जाता है, वो निवेश नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा किस में हुआ? सेवा क्षेत्र में। पिछले 24 साल में भारत में सर्वाधिक FDI निवेश सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान किसका है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। फिर आ जाता है व्यापार का, ट्रेडिंग, और फिर दूरसंचार, और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। किस किस का हुआ? सेवा क्षेत्र का हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर का हुआ है, व्यापार का हुआ है, दूर संचार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सर्वाधिक निवेश हुआ है। तो ये अपना व्यापार घाटा और प्रत्यक्ष विदेश निवेश छोटा सा टॉपिक था। ये मेरा एक अपनी बुक नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, उसमें मेरे ऑफलाइन क्लास के सारे वीडियो हैं, हर सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे आपको, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, और इसके अलावा राजस्थान भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान की राजव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सारा का सारा ज्योग्राफी जितना भी है वो मैप के द्वारा है, बिल्कुल तरीके से बताया गया है। इसके अलावा इस पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, लगभग हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और काफ़ी टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, RSPRI के लिए तैयार हो रही है, जिसमें लगभग 50-60 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और टॉपिक के बंच बना दिए गए हैं, यानी प्रत्येक टेस्ट में 3 से 4 टॉपिक शामिल किए गए हैं, हर टॉपिक से लगभग
पच्चीस पच्चीस तीस तीस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं उसमें। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की टेस्ट सीरीज है जिसमें लगभग 15,000 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें आरपीएससी के सारे पेपर शामिल हैं। आरपीएससी के अलग अलग उसमें फोल्डर बनाए हुए हैं, आरपीएससी के पेपर हैं। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी आयोग हैं, आयोग में होने वाले पेपर भी वहाँ मिल जाएंगे आपको, टेस्ट फॉर्म में मिलेंगे वो सारे, ताकि आप अपना खुद का स्व मूल्यांकन भी कर सकते हो, तो इसको देखना। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज सबकी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज होगी, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके टेस्ट पेपर उसमें अपलोड कर रखे हैं अलग से फोल्डर बना करके।